हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में होम गार्डनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कलंकोई का प्लांट जो है, इसको गर्मियों में इसकी देखभाल कैसे करें, गर्मियों में इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, और नेक्स्ट सीजन के लिए हम इसको किसे कैसे सेव करके रखें, और इनसे बहुत सारे नए प्लांट्स भी हम डिवाइड करें, नए प्लांट्स भी तैयार करें, ये जो है प्लांट हमारे इनको भी सेव करके रखें, और अगली बार के लिए जो विंटर का सीज़न होगा उसके लिए हम इसको सेव करके, और इसके अलावा सेव करने के अलावा हम इसके नए प्लांट्स भी किस तरह से ग्रो करें। तो ये देखिए, मैं अभी जितनी भी फ्लावरिंग इस पर हुई है लगभग सारी ही फ्लावरिंग मैं इससे कट कर देता हूँ। वैसे इसकी फ्लावरिंग जो है मार्च अप्रैल तक होती है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी फ्लावरिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ज़्यादा ज़रूरत मुझे है इनको सिक्योर करना, इनके हेल्थ पे ध्यान देना। तो इनकी गुड हेल्थ के लिए जो फरवरी का जो सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, इस टाइम पर आप इसके सारे ही फ्लावर कट कर लीजिए। ये देखिए, मेरे पास जितने भी ये कलंकोई के प्लांट हैं इनके सारी की सारी फ्लावरिंग मैं हटा देता हूँ। वैसे देखिए, ये फ्लावरिंग जो है बहुत सुंदर प्यारी फ्लावरिंग है, तो इसलिए हटाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लांट की गुड हेल्थ के लिए हमें ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से मैं सारी की सारी इसकी जितनी भी फ्लावरिंग है ये सारी फ्लावरिंग हटा देता हूँ, और ये जो फ्लावर हैं इनको आप किसी पॉट में इसी तरह से लगा के रखेंगे तो ये कम से कम एक महीने तक भी इसी तरह से खिले रहेंगे। मतलब सिर्फ ये फ्लावरिंग जो है इसको भी आप अगर ऐसे मिट्टी में दबा दें या पानी में रखें तो इस तरह से खूबसूरत फ्लावरिंग आपको महीने भर तक इसी तरह से दिखती रहेगी। लेकिन प्लांट से हम हटा देंगे। प्लांट से हटाने के बाद में क्या करेंगे हम, ये देखिए जितनी भी फ्लावरिंग है एक बार हम सारी की सारी इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो फ्लावरिंग हटाने के बाद में ये जो देखिए, अब ये जो प्लांट है इसकी जो न्यू ब्रांचेस निकली हुई हैं, इस तरह से ब्रांचेस को भी हमें कट कर लेना है। तो ब्रांचेस को कट करने से क्या होगा कि जहाँ से हम कट करेंगे वहीं से उसके साइड ब्रांचेस निकलेंगी, और प्लांट जो है आपका घना बनेगा, बुशी बनेगा। इस तरह से देखिए, मैं प्लांट को हार्ड प्रून कर देता हूँ। अभी इस तरह से प्रूनिंग कर देनी है, जितनी आप डालियाँ इसकी काटेंगे उतनी ही नई नई डालियाँ इसकी निकलेगी और ज़्यादा अच्छा घना बनेगा। और ये देखिए, ये वाला मैं काट रहा हूँ, और यहाँ से मैंने पहले काटा हुआ था इसको, तो ये ब्रांच निकली और नीचे से दो ब्रांचेस और निकली है, तो इसको मैं फिर से काट देता हूँ। और ये देखिए, दो ब्रांचेस नीचे निकली हुई हैं, और इसी तरह से मैं इसको, ये देखिए जितना मुझे लगेगा उतना मैं इसको काट दूंगा, और थोड़ा सा ही मैं इसमें सिर्फ रहने दूंगा। लेकिन जितनी हम ब्रांचेस इसकी काटेंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। तो इस तरह से मैंने इस पर कलंकोई पे और भी कई सारे वीडियो पहले बनाए हुए हैं, उनका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि कलंकोई को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह से उसकी केयर की जाती है, विंटर केयर कैसे होती है, और कब उसको धूप में रखा जाता है, कब उसको छाँव में रखा जाता है, और उसकी सॉयल मिक्स किस तरह से होना चाहिए, और कौन सा फर्टिलाइज़र उसे देना चाहिए, और कब उसको फर्टिलाइज़र दिया जाता है, और उसकी फ्लावरिंग को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, वो सारी की सारी मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर दी है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसके सारी ही सारी ब्रांचेज कट कर ली हैं, और अब ये देखिए, मुझे जितना भी लगे और भी मैं काट सकता हूँ। आप जितना भी आपका प्लांट को आप जितना हार्ड प्रून करेंगे उतना ही प्लांट आपका हेल्दी रहेगा, अच्छे फ्लावरिंग करेगा नेक्स्ट सीजन में, और अच्छे से प्लांट आपका मल्टीप्लाई भी होगा, और प्लांट की जो हेल्थ है मदर प्लांट वो भी अच्छा रहेगा, और जितनी हम कटिंग करके लगाएंगे वो सारे भी अच्छे से ग्रो होंगे। तो देखिए, ये हमने फ्लावरिंग हटा दी, ये ब्रांचेस कट कर ली हैं। अब हमें करना क्या है कि अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन हो या सिनेमम पाउडर हो तो ठीक है, और अगर नहीं भी हो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हमने ब्रांचेस कट की हैं इनको हमें फिर से इसी तरह से बिल्कुल सामान्य तरीके से मिट्टी के अंदर दबा देना है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में मतलब महीने भर बाद में, क्योंकि इसकी जो शुरुआती जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है, जो कटिंग लगती है उसकी रूटिंग थोड़े लेट से होती है, तो इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा देना है। और बस ये मिट्टी के अंदर दबा के, ये देखिए मैं मेरा पीस लीले का प्लांट है इसी के साइड में इनको कटिंग को दबा रहा हूँ, और कुछ ही दिनों में ये प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे और हमारे लिए नेक्स्ट सीजन के लिए नए प्लांट बन जाएंगे। अब इस तरह से हमें मिट्टी में दबा देने के बाद पानी दे देना है, इसमें वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग करने के बाद इसको शेड में या सेमी शेड में रख देना है, जहाँ पे लाइट इसको मतलब कि रोशनी अच्छी मिले लेकिन धूप इस पर नहीं पड़े। तो बस ये सीधा सा ये देखिए, और ये पत्तियाँ जो कटी हुई थी इन पत्तियों को भी हमने लगा दिया है, और बाकी सारे ही प्लांट्स जो है उनको मैंने शेड में रख दिया है ताकि इस पर धूप नहीं पड़े गर्मियों से बचाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का जो बटन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। दोस्तों नमस्कार, जय।